दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा अब समापन की ओर है, यानी कि जनवरी लास्ट में यह समाप्त हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा को शुरुआत में इस देश के गोदी मीडिया द्वारा खत्म करने की कोशिश की गई। अब भारत जोड़ो यात्रा में शुरू से तो अब तक बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखे। शुरू में गोदी मीडिया राहुल गांधी को हर तरफ से ट्रोल करने की कोशिश करती रहती थी और राहुल गांधी के भाषण को तोड़ मरोड़ करके ये मीडिया दिखाने का काम करती रहती थी। और अभी राहुल गांधी की एक फोटो भी वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि एक तरफ चाय रखा है और बाकी नाश्ते का सामान रखा है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने चाय की जगह उसमें शराब कर दी और बाकी आप इमेज में देख सकते हो उसमें क्या क्या चेंज कर दिया है। तो दोस्तों जैसे जैसे भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ बढ़ती गई तो बीजेपी को यह बात खटकने लगी। तो इस तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने के नए नए तरीके ये खोजते रहते हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ देखकर इस देश का गोदी मीडिया भी राहुल गांधी से डरा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस यात्रा के मंच से गोदी मीडिया को बड़े सुरीले आवाज में एक्सपोज किया है। उन्होंने कभी मीडिया को दोस्त बताया तो कभी शादी के घोड़े के समान मीडिया की तुलना की है, जो मीडिया के नाम पर एक धब्बा माना जा सकता है। लेकिन अब ये गोदी मीडिया भी राहुल गांधी से डरने लगे हैं और अब आपको रोज हर एक नेशनल चैनल पर भारत जोड़ो यात्रा देखने को मिल जाती है। पर पहले ये गोदी मीडिया राहुल गांधी को पप्पू कहती थी और अब राहुल गांधी जी कहती है। खैर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, कांग्रेस ने विपक्ष को यात्रा के समापन पर उसमें शामिल होने के लिए लेटर क्यों लिखा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्षी दल एक साथ देखने को मिल सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समापन में शामिल होने के लिए कई दलों को बुधवार 11 जनवरी को लेटर लिखा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में समान विचारधारा वाले दलों के अध्यक्ष को पत्र लिखकर आमंत्रित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है कि जैसा कि आप जानते हैं, कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा में सद्भाव, समानता एक बहुत ही सरल स्थायी संदेश है। भारतीयों ने सदियों से इन मूल्यों के लिए संघर्ष किया है और ये हमारे संविधान में निहित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा है कि गर्मी, सर्दी, बारिश में यात्री रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उन्होंने यात्रा के संदेश को लाखों लोगों तक पहुँचाया है। यात्रा की शुरुआत से हमने हर समान विचारधारा वाले भारतीय यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया है। राहुल गांधी के आमंत्रण पर विभिन्न चरणों में कई राजनीतिक दलों के सांसद भी यात्रा में साथ चल रहे हैं। अब हम आपको 30 जनवरी में श्रीनगर में आयोजित होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के समापन में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रित करता। उन्होंने लिखा है कि इस कार्यक्रम में हम घृणा और हिंसा से लड़ने, सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश फैलाने और सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करेंगे। हमारे देश के लिए संकट के इस समय में जहाँ जनता के मुद्दों से जनता का ध्यान व्यवस्थित रूप से हटाया जा रहा है, ये यात्रा एक शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरी है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शामिल होंगे और इसके संदेश को और मजबूत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस ने जिन पार्टियों को आमंत्रित किया है उनमें टीएमसी, जदयू, एसएस, तेदेपा, नेका, सपा, बसपा ऐसी कई पार्टियां हैं, आप पढ़ सकते हो। भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब चरण की शुरुआत बुधवार से हुई है। पंजाब में पद यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसानों, दुकानदारों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं से बात की। राहुल गांधी ने फतेहगढ़ साहिब में कहा कि बीजेपी नफरत फैला रही है, लेकिन भारत भाईचारे, एकता और सम्मान के भाव में यकीन रखता है। यही कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रही है। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी 2023 को श्रीनगर में समाप्त हो। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे। यह पदयात्रा अब तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से गुजर चुकी है। दोस्तों ये थी वीडियो, कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।